क्या उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना मुश्किल हो जाएगा या फिर ऐसे कपल्स की जिंदगी आसान हो जाएगी? समान नागरिक संहिता से जुड़ी बहस के दौरान ये सवाल काफी चर्चा में है। हुआ ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल पेश किया गया। इस बिल में लिव इन में रहने वाले कपल्स के लिए अनिवार्य, जी हाँ, अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है, नहीं तो भुगतनी होगी सजा या फिर जुर्माना या दोनों। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो सुर्खियों में हैं। तो चलिए बारीकी से हर एक प्रावधान की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के यूसीसी बिल में कहा गया है कि लिव इन में रहने वालों को संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के सामने पंजीकरण कराना होगा। अगर कोई भी बिना सूचना दिए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहता पाया गया तो उसे 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इस संबंध में गलत सूचना देने पर 3 महीने तक की कैद या 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, लिव इन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर नोटिस मिलने पर लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता तो उसे 6 महीने तक की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इस बिल में ये भी कहा गया है कि लिव इन वाले रिश्ते से पैदा बच्चे को वैध माना जाएगा, यानी उसे शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे के समान ही उत्तराधिकार के अधिकार मिलेंगे। बिल के मुताबिक ऐसी स्थिति में लिव इन संबंध का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जब कम से कम एक व्यक्ति नाबालिग हो या फिर दोनों में से कोई भी एक शादीशुदा हो या पहले से लिव इन में हो। इसके अलावा जोड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति की सहमति बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव या झूठ या धोखाधड़ी से ली गई हो तो भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक की उम्र भी 21 साल से कम हो तो रजिस्ट्रार को उनके माता पिता को इस बारे में सूचना देनी होगी। लिव इन में रहने वाली महिला को अगर उसका पुरुष साथी छोड़ देता है तो वो उससे भरण पोषण का दावा कर सकती है। इस बिल में प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के विषयों पर धर्म से परे एक समान कानून का प्रस्ताव है। हालांकि प्रदेश में रहने वाली जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।